इमामबाड़ा खारादर, शबे 26 मार्च सन 61 मुताबिक शबे 8 शव्वाल। जनाब अल्लामा रशीद तराबी साहब की तकरीर समाअत फरमाइए। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومبرم خطابه العظيم وأما الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صلوات سورة كهف کلام مجید کا 18 سورہ آیت کا نشان 82 ارشاد ہوتا ہے اور وہ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں اور ان دونوں کا باپ صالح تھا اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے تیرے رب نے یہی چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ تیرے رب کی رحمت ہے موسیٰ میں نے یہ گرتی ہوئی دیوار کو صحرا میں اس لیے پھر سے بنا دیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم تھا میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا یہ تیرے رب کی رحمت ہے موسیٰ اور یہ ہے تاویل میرے ان تمام کاموں کی کہ جس پر تا
तुझको सब्र की इस्तेताअत न थी। कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत करने वालों से ये वाकया सूरह कहफ का पोशीदा नहीं है। हजरत मूसा की मईयत में एक कश्ती में बैठकर उस कश्ती को मायूब कर दिया था, उसमें सुराग डाल दिए थे, एक लड़के को कत्ल किया था और एक गिरती हुई दीवार की तामीर की थी। बार बार हजरत मूसा ये कह रहे थे कि अच्छी खासी कश्ती को खराब करना, किसी बच्चे को कत्ल कर देना, और एक ऐसे मौके पर जबकि हम भूख में परेशान थे सहरा में जाके एक दीवार की तामीर कर देना, ये उमूर हमारे अकुल में नहीं आते। तो उस वक्त उन्होंने अपने उमूर की तावील की। मिन जुमला उसके यही कि जिस दीवार की हजरत खिज्र ने तामीर की उसके मुतालिक उन्होंने इफहाम तफहीम की सूरत में ये कहा कि अय मूसा, ये तेरे रब का हुक्म है, ये मेरा फेल नहीं है। उसकी मर्जी ये थी कि ये दीवार गिरने न पाए, इसमें यतीम बच्चों का खजाना पिन्हा है नीचे, और अल्लाह ने यही चाहा कि उसकी हिफाजत करे। इस आयत के मुतालिक और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि शेख सदूक ने अमाली में अपने असनाद से रिवायत की जैद शहीद से। जैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वो साहबजादे हैं कि जिनकी याद आप साल में एक मर्तबा मनाते हैं। जैद शहीद ने इस आयत की तिलावत करके अपने दोस्तों से ये कहा कि सुनो, खुदावंद आलम ने दो यतीम बच्चों के खजानों की हिफाजत की इसलिए कि उनका बाप सालेह था। रिशाद फरमाया कि हम ज्यादा मुस्तहक हैं हिफाजत के, हम ज्यादा मुस्तहक हैं हिफाजत के कि हमारे जद मोहम्मद मुस्तफा। और हमारी दादी सिद्दीक़े ताहिरा फातिमा जहरा सलावतुल्लाह वसलाम। ये जैद शहीद ने सर्फ किया इस आयत को इस माना में कि हम ज्यादा मुस्तहक हिफाजत हैं और खुदा यकीनन हमारी भी हिफाजत करेगा। इस सिलसिले में मासूमीन के और भी अहादीस हैं। चुनाचे शेख सदूक ने अपने सही तरीन असनाद से सादिक आले मोहम्मद से रिवायत की कि मासूम ने फरमाया अपने रावी से कि तुझको मालूम है दीवार के नीचे खजाना क्या था? सोना था, चांदी थी, अमवाल थे। अर्ज किया नहीं मालूम। रियाद फरमाया दीवार के नीचे एक कागज था और उस कागज पे ये लिखा हुआ था, ताज्जुब करता हूं उस शख्स पर जिसको मौत का यकीन हो और वो हंसता हो। ये सादिक आले मोहम्मद का इरशाद है। अजीब तुले मन अयकन बिल मौत व हुआ यफरह, ताज्जुब करता हूं उससे जिसको मौत पे यकीन हो और वो फरहनाक हो। हकीकत यह है कि इस आयत की तिलावत से आयत की तावील पर गुफ्तगु मकसूद नहीं थी, बल्कि वाकई मासूम ने इस खजाने का जो पता दिया कि दीवार के नीचे खजाना था और चाहता था खुदा कि ये बच्चे बड़े होकर
उस खजाने को पा लें। और मासूम फरमाते हैं खजाना ये था कि अगर मौत पर यकीन है तो मसरतें कैसी। बहुत ही अजीब बात है, ऐसा मालूम होता है कि मुस्तबदीन आलम जिनको कुछ जुल्म की आदत सी हो गई है, जो इस्तेदात पर तुले हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि उनको न अपनी मौत पर यकीन है न उनको महशर पर एतकाद है। वो समझते हैं कि अगर मौत आनी है तो हम उसको टालेंगे बहुत दिनों, और महशर के लिए ऐसा मालूम होता है कि कतअन अकीदा नहीं है महशर पर, वरना इंसान इतना जालिम तो हो नहीं सकता। जुल्म के इस कमाल पर तो इंसान जा नहीं सकता। दौलतें, वजाहतें, सल्तनतें, अमीरियां, तवंगरी, ये सब की हद नजा का झटका है ना, या कोई इस पे एतराज है किसी को? नजा की हिचकी इस पूरे तबख्तुर की हद है, इस पूरे तकासुर की हद है, और फिर क्या है कुछ नहीं मालूम। हजरत ज़ुल्क़रनैन का नाम इस आयत के बाद ही कुरान में आया है, सूरह कहफ में। मुफस्सिरीन ने कहा, वो भी बड़े हकीम थे, किसी ने कहा नहीं रुब मस्कून आलम पर हुकूमत रखते थे, किसी ने कहा सारी दुनिया में दो ही मोमिन हुक्मरान थे, या हजरत सुलेमान या हजरत ज़ुल्क़रनैन, और दो काफिर सारी दुनिया पर हुक्मरान थे, या फिरौन या बख्त नसर। तो ये ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक एक अजीब बात मशहूर है, याद रखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, कि एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान में पहुंचे, देखा एक बुढ़ा आदमी बहुत सी कब्रों से, बोसीदा कब्रों से खोपड़ियों को निकाल के उलट रहा है, कभी उलटता है, पलटता है, फिर उसको रख देता है, फिर उलटता है, फिर उसको देखता है, रख देता है। जाके ज़ुल्क़रनैन खड़े हो गए, कहा क्या हो रहा है, ये इंसानी खोपड़ियों को कब्र से निकाल के क्या देख रहा है? कहा हुजूर 20 बरस से यही काम कर रहा हूं कि इन खोपड़ियों को देख के ये पहचानूं इसमें दौलतमंद कौन है और फकीर कौन है। 20 बरस से यही काम कर रहा हूं कि ये पहचानूं खोपड़ी को देख के कि इसमें दौलतमंद कौन है और फकीर कौन है। हजरत ज़ुल्क़रनैन जैसे हकीम इबरत लेते हुए चले कि कहां है हद तवंगरी, कहां है हद वजाहतों, सल्तनतों, हुकूमत, और इस तरह से जरा सी आरजी हुकूमतों पर अकड़ने वाले अगर जुल्म पर तुल जाए तो फिर सद आफरी है मजलूम के उस सब्र पर, जो ये यकीन करके सब्र कर रहा है कि महशर में तो आना है ना। बहर सूरत अगर इंसान वाकई मुसलमान है, कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहता है, और ये जानता है कि अकीदे महशर जरूरत दीन है जिसका इनकार कुफर है, यौम आखिर पर यकीन रखना है, उसके लिए अपने को आमादा रखना है, तो फिर हम तो नहीं समझते कि इंसान कभी किसी वक्त भी अपने हुदूद को तोड़ के निकल सकता है, कभी नहीं। और अब रहा, जैसे कि मेरी आदत है, मैं तो हमेशा वाज़ह करते रहता हूं कि जुल्म के मुकाबिल में हमेशा फतह मजलूम की है,
हमेशा फतह मजलूम की है, जालिम ने जुल्म किया समझो शिकस्त हो गई, समझो शिकस्त हो गई, मजलूम ने सब्र किया समझो के फाते है, समझो के। अब अगर एक फर्द पर जुल्म हुआ और वो फर्द मजलूम है तो समझ लो फर्द की फतह है, अगर पूरी कौम पर जुल्म हुआ और पूरी कौम ने सब्र किया तो समझ लो पूरी कौम की फतह है। वो इनफरादी हो के इज्तिमाई, और फिर हम अपना तारुफ करवा दें, बहुत से अजनबी हैं वो जान लें, हम वो हैं कि जिनको उस आका की गुलामी पर नाज है, उस आका की गुलामी पर नाज है कि बैतुल माल में एक दिन बहुत सा माल आया, खिलाफत राबिया का जमाना था, अमीरुल मोमिनीन जाहिर खिलाफत के साथ वाबस्ता थे, किसी ने कहा मौला आज इसमें आपका हिस्सा भी है, मौला एक घोड़ा खरीद लीजिए, याद रखेंगे आप इन बातों को, मौला एक घोड़ा खरीद लीजिए। इरशाद फरमाया क्यों? कहा मौला आपके लिए जरूरी है, आपको जंग के मैदान में जाना पड़ता है। इरशाद फरमाया मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अर्ज किया क्यों? कहा इसलिए कि जब जंग के मैदान में लड़ाई छिड़ जाती है जाता हूं तो मैं मुड़ के भागता नहीं, और जो मेरे सामने हार मान के भागता है मैं उसके पीछे दौड़ता नहीं। मुझे घोड़े की जरूरत नहीं, सुन लो हम उसके गुलाम हैं। क्या कह रहा हूं, क्या कहता रहूंगा, मेरा दिल ही बेहतर जानता है। याने जब छिड़ जाए पैकार तो न पलटने का मकाम है, और अगर कोई भाग रहा है तो न उसके पीछे दौड़ने की आदत है। यह तरबियत है जो मौला ने अता की है, और उस पर जिंदगी है, घबराने का मौका नहीं। फर्द मजलूम हो तो सब्र करे, जमात मजलूम हो तो सब्र करे, इसलिए कि अकीदा है महशर पर, और ये दो दिन की दुनिया गुज़िश्तनी वो गुज़ाश्तनी है, जाएगी कोई न रहा कोई न रहेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उसी वाहिद कहार के लिए है। उस दिन न फराइना है न अकासरा है न कयासरा है, उस दिन न नमारिदा है, उस दिन न सल्तनतें हैं न वजाहतें हैं, और उस दिन आवाज आ रही है फकत जतमुना फुरादा। आज हमारी बारगाह में अकेले आए, अकेले आए, कहाँ है तुम्हारे मजमे, कहाँ है तुम्हारी अक्सरियतें, कहाँ है तुम्हारी वजाहतें, कहाँ है वो तुम्हारे सिफारिश करने वाले जिन पर तुमको नाज था। आज तुम अकेले हमारी बारगाह में आए, जैसे हमने तुमको पहली मर्तबा तन्हा पैदा किया था, आज तुम तन्हा हमारी बारगाह में आए, तुमको ऐसा ही आना था। और उधर साहिबा ने ईमान के लिए कहा यौम ला युग़ज़िल्लाहु नबिया वल्लज़ीना आमनू माहू, खुदा उस रोज़े महशर अपने नबी को रुसवा न होने देगा, और साहिबा ने ईमान उसके साथ साथ रहेंगे। नूरहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर कभी दाहने जानिब दौड़ता होगा कभी सामने दौड़ता होगा। यकुलून रब्बना अतमि लना नूरना, और वो कहते होंगे परवरदिगार हमारे नूर को और मुकम्मल फरमा। तो मजलूम न यहां तन्हा है न वहां तन्हा है, जालिम ये महसूस करता है कि यहां तो बड़े मजमे हैं कौन मेरा बिगाड़ सकता है, मगर हकीकत में जुल्म के एतबार से यहां भी तन्हा है वहां भी तन्हा है। उसके साथी उससे दूर भागते हैं, उसके अजीज उसको अच्छा नहीं समझते हैं,
उसके मुसाहिब उससे दूरी चाहते हैं, एक तन्हाई सी तन्हाई महसूस करता है। बहर सूरत अजीजान गरामी नाज यही है कि मजलूम है, मजलूम है। एक बात याद रखिए कि लाहौर में एक बड़े जिम्मेदार अफसर ने, जो बहुत ही तालीम याफ्ता भी हैं, बड़े मकाम पे फायज हैं, एक दिन अजीब नासिहाना अंदाज में मेरे एक दोस्त से कहने लगे कि भाई बड़ी अजीब बात है कि मजलिसों में, मुहर्रम की हो या कभी की, ये इतना जाकिरीन हंगामा करते हैं हुसैन की मजलूमियत का, कि ऐसे मजलूम थे, ऐसे मजलूम थे, ऐसे मजलूम थे, यहां तक कि वो मजलूमियत की दास्तान सुनते सुनते तबीयत परेशान हो जाती है, तबीयत परेशान हो जाती है। तो ये साहब बड़े खामोश हो गए। वो उनका आना कभी कराची में हुआ, उन्होंने ये तस्करा मेरे सामने किया। मैंने कहा हैरत है, मजलिसों में इस कदर जाते हो, जरा सा जवाब न दे सके, जरा सा जवाब न दे सके। हुसैन की मजलूमियत की दास्तान न दोहराई जाए तो क्या हुसैन के जुल्म को बयान किया? भाई दो ही चीजें हैं ना, या मजलूम या जालिम। हुसैन मजलूम है तो क्या मजलूम न कहो, फिर क्या कहें? उनका जुल्म बतलाएं, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, उसके नफ्सियाती असरात क्या थे? वो क्यों कह रहा था पढ़ा लिखा आदमी के हुसैन की मजलूमियत पर इस कदर गुफ्तगू न हो? वो ये समझ रहा था कि मजलूमियत पर गुफ्तगू ना करो, शुजाअत पे गुफ्तगू करो। तो ये तो गुफ्तगू और हो गई, ये और गुफ्तगू हो गई। गुफ्तगू ये है कि जालिम वो होता है जो बुजदिल हो, मजलूम ही वही है जो शुजा हो। मजलूम उसी को कहते हैं जो शुजा हो। हमेशा बुजदिल जुल्म करता है, बुजदिल जुल्म करता है, और जो शुजा होता है वो मजलूम हो जाता है। मजलूमियत आईने शुजात है, मजलूमियत आईने शुजात है। यानी शुजात वो सब्र है कि पाए इस्तेकामत पीछे न हटे। अगर किसी नजरिए का ऐलान कर दिया तो फिर कदम पीछे न हटे, अब जो कुछ भी जुल्म हो, जो कुछ भी जुल्म हो। मजलूम उसी को कहते हैं कि उसके नजरियात बार बार ना बदले, एक नजरिए पर कायम हो, सब्र करे, जुल्म उठाए। और जालिम वो जो बुजदिल है, हर जालिम बुजदिल है, हर जालिम बुजदिल है। अगर तारीख इस्लाम में किसी ने जुल्म किया तो वह बुजदिल है, और तारीख इंसानियत में किसी ने जुल्म किया तो वह बुजदिल है। अब इसके बाद जुल्म की तारीख पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि बुजदिली की तारीख, जुबन की तारीख, वरना शुजात की तारीख कुछ और होती है। शुजात वो कि जहां तलवार अम्र हक में खिंचे, शुजात वो कि जहां पैकार अम्र हक में हो। तो जब अम्र हक में पैकार का ऐलान हो तो उस वक्त पीछे हटने वाले अगर किसी का घर जलाने जाए तो वो बुजदिल नहीं। यह है फिक्र का मौका कि जुल्म बुजदिली और मजलूम मकाम शुजात पर है। इसलिए पैगंबर इस्लाम हमेशा यही कहते हुए पाए गए कि सल्तनत कुफर के साथ बाकी रह सकती है, अल मुल्क यबका मअल कुफर, हुकूमत कुफर के साथ बाकी रहती है, वला यबका मअल जुल्म, जुल्म के साथ हुकूमत बाकी नहीं रहती, हुकूमतें उलट जाती हैं। अब रहा देर, भाई इतनी देर हो गई, 26 बरस हो गए, 28 बरस हो गए, 30 बरस हो गए, तो आपकी तकलीफें शरई नहीं है कि आप ये फिक्र करें, ये आपकी तकलीफ नहीं है
देरी मेरी निस्बत से, देरी आपकी निस्बत से, जो जमान और मकान का खालिक हो, जो वक्त का खल्लाक हो, उसकी निस्बत से देरी कहां? जहां कायनात की लाखों गर्दिशें आने वाहिद से ज्यादा वक्त न रखती हो, उसके लिए क्या देरी है? 27,000 बरस गुजर जाए, 27,000 बरस गुजर जाए, फर्क इतना ही कि मुसलमान हो तो समझने की कोशिश करो कि हर कब्र में कुछ है। भाई ये जुमले समझो, याद करो, गुफ्तगू के मौके पे दोहराओ। मेहनत इसीलिए होती है कि जहनों में बातें रहें नौजवानों के। बुजुर्गों का तो क्या कहना, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तालिबे इल्म की हैसियत से गुफ्तगू करता हूं, कभी इल्म का दावा नहीं किया। मुसलमान अगर हो तो ये अकीदा रहे कि हर मिट्टी के ढेर में कुछ है, वो कुछ सही। और इसलिए कि आयत ये कहती है अन्नसाअत आतियतुन ला रैबा फीहा, कयामत को आना है उसमें शक नहीं। अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, मन जो ज़विल उकूल के लिए है, जो कुछ कब्रों में है खुदा उनको उठाएगा। इस लफ्ज़े, इस हर्फ़े मन से इस्तदलाल करो, इन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जो कब्र में है उनको खुदा उठाएगा। मा फिल कुबूर नहीं है, मा गैर ज़विल उकूल के लिए है, मन फिल कुबूर, जो लोग कब्रों में हैं अल्लाह उनको उठाएगा। 5,000 बरस पहले गए हैं कब्र में तो उनको भी उठाएगा, 50,000 बरस पहले गए हैं उनको भी उठाएगा। है कुछ मिट्टी के ढेर में, है कुछ मिट्टी के ढेर में। हजरत अबुल हसन सालिस इमाम अली के नकी सलावतुल्लाहि व सलामहु हर समत उब्न आयुन बयान करता है कि मैं इमाम के साथ साथ था कि एक मर्तबा, मशहूर वाकया है, एक मर्तबा मैंने देखा कि गर्मी, शदीद गर्मी का जमाना, और इमाम के साथ अजबाब में इंतहाई सर्दी के गर्म कपड़े। मुझे शक हुआ कि ये हैं वो कि जिनकी इमामत पे लोग अकीदा रखते हैं। तो कहता है रात हुई, एक सहरा में हम उतर पड़े, और उसके बाद तुंद हवा चली, तेज तूफान आए, कयामत की बारिश हुई, बारिश के साथ तेज जालाबारी हुई, बर्फ पड़ी, और एक मरतबा शिद्दत की सर्दी हुई। हमारे साथ सब गर्मी के कपड़े थे, हम कांपने लगे। तो बयान करता है कि निसफ शब के वक्त अबुल हसन सालिस का खादिम आया और उसने खेमे के दरवाजे से कहा, मौला ने तेरे लिए गर्म कपड़े भेजे हैं। सर्दी से महफूज करने के लिए तुझको गर्म कपड़े। वो बयान करता है मैं घबरा गया हूं। सुबह को जब हम वहां से चले तो बारिश की शिद्दत ने मुख्तलिफ मकामात पर जमीन में गढ़े डाल दिए थे। एक मकाम पर मैंने देखा कि उस खुले मैदान में एक गढ़े में से हड्डियां बाहर निकली। इमाम भी बाहर तशरीफ रखते थे, मैंने अर्ज किया फरजंदे रसूल इस मैदान को देखिए, लकोदक मैदान, कभी इंसान का नामो निशान ना होगा, और यहां भी हड्डियां। इरशाद फरमाया हर समा सारी रूए जमीन में एक इंच जमीन भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई इंसान दफन ना हो, कोई इंसान दफन ना हो। और इन अल्लाह जब असमन फिल कुबूर, और जो कब्रों में हैं उनको खुदा उठाएगा। जहां कहीं दफन है तो अगर मुसलमान हो तो इसका अकीदा रखो कि कब्रों में कुछ है, कुछ है अगर महशर। अब आप समझ गए मेरे इस्तदलाल। और जो ये कह के कब्रों को ढा दे के कुछ नहीं, तो वो न महशर का काहिल है न मुसलमान है।
अगर कोई ये कह दे कि इस मिट्टी के ढेर में अब कुछ नहीं है, 50 बरस हो गए, तो आयत का उसको या तो ख्याल नहीं रहा, और अगर पढ़ता है, अरब है, मादरी जबान अरबी है, तो फिर क्या कहने, वो इतना नहीं समझता। यब असो मन फिल कुबूर, मबूस होंगे कब्र वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर ये, और फिर उसके साथ कलाम मजीद की वो आयतें कि जहां वाज़ह तौर पर बतला दिया गया कि देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़ब अल्लाहु अलैहिम, ऐ साहिबान ईमान, उनको दोस्त न रखना, उस कौम को दोस्त न रखना जिस कौम पर अल्लाह का गजब आ चुका। قد يئسوا من الآخرة, ये लोग आखिरत से मायूस हैं। बहुत गौर से सुनिए आयत, قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور, ये इस तरह से आखिरत से मायूस हैं जैसे काफिर साहिबान कब्र से मायूस हैं। यहां मायूस इनकार, ये लोग इनकार करते हैं महशर का जैसे कि काफिर मुनकिर हैं कि कोई चीज कब्र में है। तो किसी कब्र में किसी के वजूद को न मानना इनकार कुरान है, इनकार कुरान कुफ्र है। कमा यसल कुफार मिन असहाबिल कुबूर, कब्रों में कुछ है, कब्रों में कुछ है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारा मौकफ तो यह है, हमारा मौकफ तो यह है कि कदम जमे हुए, पाए इस्तिकामत गैर मुतजलजल, अब जो हो सब्र हमारा शार, जुल्म की आदत नहीं, जुल्म की आदत नहीं। और उस दिन का इंतजार कि यौमुल अदल अलल जालिम अशद्द मिन यौमिल जौर अलल मज़लूम, के अदल का दिन जालिम पर उस दिन से ज्यादा गरा होगा जिस दिन के मजलूम पर जुल्म हो रहा था। जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, अदल का दिन जालिम के लिए इतना तकलीफ दे होगा, इतना जहमत रसा होगा और इतना शदीद होगा कि मजलूम पर जो जुल्म का दिन था वो उसके सामने कुछ नहीं। तो ऐसी मंजिल पर जब इतना इत्मीनान हो तो मुतमईन चलो। यही दर्श दिया, यही समझाया, यही बतलाया। मुतवक्किल ने कब्रें खोद डाली, कहा करबला कोई ना जाए जियारत। दौर इमाम अली नकी का, दौर इमाम अली नकी का, अय्यूब इब्ने नूह इब्ने दुर्राज नकी खिदमत बासआदत में हाजिर है। अर्ज की, फरजंद रसूल कुछ खबर है? जद की कब्र खुद रही है। इरशाद फरमाया, कागज है तेरे पास? अर्ज की, हां। का लिखते जा, लिखते जा, जियारत जामिया लिखवा दी। खुद ने दो कब्र, हुसैन की कब्र दिलों में, पढ़ते जाओ जियारत, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुन नबुव्वा। ये है तादीब, ये है तरबियत, और यही है वो जियारत जामिया जहां हम अर्ज करते हैं। मैं तो समझता हूं कि आठवीं शव्वाल के लिए बेहतरीन इबादत यही है कि अगर जन्नतुल बकी याद आए तो हर शख्स जियारत जामिया पढ़े, इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है। इमाम अली नकी ने उस दौर में इस जियारत को इमला फरमाया। बे अभी अंतुम, बे अभी अंतुम व उम्मी, वो नफसी वो अहली वो माली, मेरे बाप मेरी मां मेरी जान मेरा माल आले मोहम्मद तुम पर कुर्बान।
ذکرکم فی الذاکرین, تمہارا ذکر ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر, وہ اسماؤکم فی الاسماء, تمہارے نام سب ناموں میں, وہ اجسادکم فی الاجساد, تمہارے جسد تمام جسدوں میں, وہ ارواحکم فی الارواح, تمہاری روحیں تمام روحوں میں, وہ انفسکم فی النفوس, اور تمہارے نفس تمام نفسوں میں, وہ آثارکم فی الآثار, تمہاری نشانیاں تمام نشانیوں میں, وہ قبورکم فی القبور, اور تمہاری قبریں تمام قبروں میں. معاف کیجئے, بڑے بڑے علماء نے اس ایک جملے پر اپنی ساری قوتوں کو صرف کر دیا, الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ, یہ جملہ آج تک تو سمجھ میں نہ آ سکا, یہ جملہ آج تک سمجھ میں نہ آ سکا, معصوم کا قول کہ تمہارے جسد تمام جسدوں میں, اور تمہاری روحیں تمام روحوں میں, اور تمہارے نفس تمام نفسوں میں, اور تمہارے آثار تمام آثار میں, اور تمہاری قبریں تمام قبروں میں. میں پھر عرض کروں, الا ما شاء اللہ الا من شاء اللہ, جس کو خدا چاہے وہی بتلائے اس کے معنی میری حد تک, تو میں یہی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان کی قبر میں آل محمد کی قبر, ہر صاحب ایمان کی قبر میں آل محمد کی قبر, اور پھر دل تو ہے ہی ان کی آرام گاہ, دل تو ہے ہی ان کی لہج, ان کا مزار, اور پھر قلوب مومن میں ان کی قبریں ہیں. تو میں نے انجمن ایرانیان میں دو تین دن پہلے یہ کہا تھا کہ جلا کے میرا نشیمن ہے مضطرب سیاد, کہ دل کے درد میں جو گھر بنا وہ جل نہ سکا. یوں گھر جلا دو, مگر کسی نے اگر اپنے گھر بنائے ہیں ہر ایک کے درد دل میں, تو وہ جل نہیں سکتے, قبروں کو مٹا دو. لیکن اگر وہ قبریں دلوں میں بنی ہوئی ہیں اور صبح و شام سلام ہو رہا ہے, کیا مٹاؤ گے؟ یہی سمجھ کے مٹایا نا قبر کو کہ کوئی سلام کرنے والا نہ رہے, یہی سمجھ کے مٹایا نا قبر کو کہ کوئی سلام کرنے والا نہ رہے. مگر میری شہزادی روح آل محمد, میری شہزادی جان آل محمد, میری شہزادی حقیقت آل محمد جان رہی تھی کہ میری قبر مٹے گی, جان رہی تھی کہ میری قبر مٹے گی. سلمان حاضر خدمت ہے, شیخ صدوق نے قصال میں, شیخ صدوق نے امالی میں, مختلف ہمارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا, میں نے بارہا پڑھا ہے, مجھے بارہا پڑھنا چاہیے, بار بار یاد دلانا چاہیے. جانتی تھی سلمان حاضر خدمت ہیں, ارشاد فرمایا, سلمان میرے دوستوں کو میرے سلام کے بعد یہ کہنا کہ اگر کوئی میرا دوست پریشان ہو تو صبح و شام مجھ پر اور میرے پدر گرامی پر سلام کرے. شیخ صدوق, میرے دوستوں سے کہہ دینا اگر کوئی پریشان ہو صبح و شام مجھ پر اور میرے پدر گرامی پر سلام کرے. سلمان نے پوچھا, شہزادی آپ کی زندگی میں, ارشاد فرمایا, حیات میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, اتنا تو انتظام کر کے گئی ہیں, قبروں کو مٹا دو. سلام کرنے والے تو ہیں نا, سلام کرنے والے, فرق اتنا ہی کہ وہاں جا کے سلام کرنا ہے. ایک سلام دور سے بھی ہوتا ہے, اور دور سے سلام ہوتا ہے اس عزم کے ساتھ کہ دل میں ہے, یوم محشر سامنے ہے. یوم محشر نہیں, میں یوم محشر ایک زینے کو درمیان سے کم از کم میں تو قطع نہیں کر سکتا, یوم محشر تو اب بھی ہے دور.
नहीं, एक और भी दिन है दरमियान में, एक और भी दिन है, वो भी आएगा, जिसको घरवाला कहते हैं, वो भी आएगा। और वो घरवाला आके देखेगा घर कहाँ कहाँ से उजड़ा है। वो घरवाला आएगा, देखेगा घर कहाँ से उजड़ा है, दीवार कहाँ से गिरी है, दरवाजा कहाँ से जला है, खबर कहाँ से टूटी है। घरवाला आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। मगर मगर जो महशर ही पर एतकाद न रखे, ये गुफ्तगू उसके लिए नहीं, ये गुफ्तगू तुम्हारे सब्र में कुव्वत पैदा करने के लिए कि वो भी आएगा। कारखाने आलम इस तरह से नहीं जाता, इस तरह से नहीं जाता। बहर सूरत मैं खुद इतना थका हुआ हूं कि आपका वक्त ज्यादा नहीं ले सकता। मीर तकी मीर का एक शेर सुनो और याद रखो, देती है तूल बुलबुल क्या शोरिशे फुगा को, देती है तूल बुलबुल क्या शोरिशे फुगा को, एक नाला हौसले से, एक नाला हौसले से बस है वदाए जा को। एक नाला अगर हौसले से हो जाए, एक आह अगर हौसले से हो जाए, अब भी कायनात मुनकलिब हो सकती है। समझो समझो, एक नाला हौसले से बस वदाए जाको। आवाज आई कोह तूप मूसा, क्या था आज तरीके अमल का, मालिक बस तुझी को ढूंढ रहा था। आवाज आई मूसा मुझको ढूंढो टूटे हुए दिलों में, मुझको ढूंढो उजड़ी हुई कब्रों में, मुझको ढूंढो यतीमों की आहों में, मुझको ढूंढो बेकसों की फरियादों में। इन द कुलूबिल मुनकसिरा, मैं टूटे हुए दिलों के पास हूं मूसा। तो जैसे कि ज़ैद इब्ने अली शहीद ने इस्तदलाल किया था कि उन बच्चों से ज्यादा हम मुस्तहक हैं कि हमारी हिफाजत की जाए, उसी तरह से यह इस्तदलाल कवी हो सकता है कि खुदा कहता है कि हम टूटे हुए दिल के पास हैं। तो हमारे दिल टूटे हुए हैं या आले मोहम्मद के दिल टूटे हुए हैं? वहां मिलेगा खुदा, वहां मिलेगा खुदा उन टूटे हुए दिलों में। उधर चलो देखो, हक था दुश्मनों को, गुफ्तगू कुछ अजब करवटें लेती है, हक था दुश्मनों को, इसलिए कि देख रहे थे कि उनकी फिका मुतासिर हो चुकी, उनका कलाम मुतासिर हो चुका, उनके उसूल मुतासिर हो चुके, अहकाम फिक्र ही सब के सब काबिल गौर बन गए। वो है सादिकैन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक। कैसे पसंद करते थे वो कि इब्ने तीमिया की मुरीदी भी रहे और सादिकैन की कब्रें भी रहे। आग ही तो लगी थी, कहा मिटा दो। आठवीं शव्वाल वो तारीख है कि अगर सलीके से आदमी कुछ सोचे तो कम अज कम हसन इब्ने अली, सैयदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक के सवाने हयात मुसलसल बयान हो। यानी कोशिश ये की जाए कि तीसरी से आठवीं या पांचवीं से दसवीं तक मुसलसल ये फिक्र रहे कि सादिक ने किया क्या, इमाम मोहम्मद बाकर का कंट्रीब्यूशन दीन इस्लाम में क्या है, सैयदुस्साजदीन के सहीफे कामिला में कुव्वत क्या है, इमाम हसन का तर्ज जिंदगी क्या था। इन पर बार बार गुफ्तगू की जरूरत है। और शायद ये भी एक तरीका था मौला की तरफ से जो अता हुआ कि देखो एक तारीख और देते हैं,
एक तारीख और देते हैं तुम्हारी फिक्र में इजाफे के लिए। अब तक कोई काम नहीं हुआ सादिकैन पर, कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि क्या किया इन दो हस्तियों ने, किस तरह से तदवीन की। एक एक मसले पर गुफ्तगू की जरूरत है। एक दरियाए ज़क्कार, बहर सूरत इस एक तारीख के लिए इतना मैटर अगर उस पर काम किया जाए कि ये सब की सवाने हयात पर गुफ्तगू हो, और ये गुफ्तगू हो नतीजतन कि ये क्यों हुआ। बज़ाहिर तो यही कि मुलुकियत यही चाहती है कि सब के सर उसकी चौखट पे झुके। मुलुकियत ये नहीं चाहती कि उसके होते हुए किसी की कब्र पर गर्दन झुक जाए। और फिर अब ये चीखते रहो कि ये खुदा नहीं, ये चीखते रहो कि ये कब्र की परस्तिश नहीं, ये चीखते रहो कि ये गैर खुदा की बंदगी नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है का बस सलाम करते हो तो परस्तिश है। अरे ये किस दुनिया में हो रहा है। पहली जंगे अजीम में हजारों मरने वाले थे जिनके नामों की फेहरिस्त न बन सकी, जिनकी कब्रों का पता नहीं चल सका। तो क्या किया दुनिया की हुकूमतों ने, द अननोन सोल्जर, वो सिपाही जिसका निशान नहीं, वो सिपाही जिससे दुनिया वाकिफ नहीं, उसका एक निशान बना दिया। दुनिया के ताजदार, दुनिया के हुक्मरान आज वहां जाके फूल चढ़ाते हैं, कोई पूछता नहीं इस मुतमद्दिन दुनिया में कि ये कब्र परस्ती तो नहीं। वो कौन सा मुल्क है तारीख तमद्दुन में जहां उस मुल्क के बानी की कब्र न हो, और वो कौन से हैं मेहमान जो उस मुल्क में आकर उस बानी की कब्र पर जाकर फूल न चढ़ाते हों। वो हिंदुस्तान सही जहां लादिनियत है मगर वहां भी कोई है, वो ईरान सही के जहां ये बतलाया जाता है कि एक इनकलाब के बाद इनकलाब आया लेकिन वहां भी एक कब्र है। छोड़िए छोड़िए, अरे खुदा बेजार कौम रूस की, अब वहां भी उन्होंने स्टालिन का एक मजार बना दिया, लेनिन का मजार बना दिया, अपने ममलकत के बानियों की कब्रें बना दी, और कहा आने वालों पहले वहां भी एहतराम के लिए जाओ। यानी काम शुरू ही नहीं होता मेहमानों का जब तक के उन कब्रों पर जाके फूल न चढ़ाए। ये कब्र परस्ती है नहीं, ये अकल है, अकल के जिसकी वजह से ये दौलतें मिली हो पहले उसको तो सलाम करो। पहले उसको तो सलाम करो जिसके सदके में दीन इस्लाम मिला, जिसके घर से इस्लाम चला, जिसके घर की वजह से दुनिया वही से मानूस हुई। हलालो हराम मजहब के जिस घर से समझ में आए उसको तो पहले सलाम करो। मगर अजब तमद्दुन है का यही न रहे, यही न रहे, और कोई उधर से गुजरे तो पता चले कि एक मैदान सा है, खुदी हुई कब्रों के निशान है। तमद्दुन है, तहजीब है। मैं समझता हूं के तसामो हो गया, कुछ भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, किसी ने गलती की और अब वो गलती अब निभ नहीं रही है। लेकिन हमने भी यही तय किया, मेरे पास दोस्त पूछ रहे थे कि आज क्या होता है, मैं कहा आओ मैं सुनाऊंगा कि क्या होता है। यही होता है कि एक ताजा रूदादे गम है आले मोहम्मद के घराने पर, और उसको याद रखने का यही एक तरीका है कि खामोश याद करो, सुकूत के आलम में याद करो, और ये समझ के याद करो कि एक दिन वो भी था जहरा कि तेरा बाप सुबह को तेरे घर पर आकर सलाम करता,
और ये आवाज दी जाती, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुवा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्ज़ा अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। शहजादी एक दिन वो भी था, और शहजादी एक दिन ये भी है, ये भी है, मगर शहजादी आप तो हमसे और हमारे बुजुर्गों से, हमारे उलमा से, फुकहा से, अंबिया से, सबसे बेहतर जानती हैं कि मकाम में सब्र आपका क्या है। शहजादी हाँ हाँ, वही मदीना, वही मदीना, और वही सलाम करने वाले। शहजादी इन्होंने ये समझ के रोक दिया कि ये सलाम करने वाले यकीनन सलाम नहीं कर सकेंगे, मगर शहजादी इनको नहीं मालूम जमाने हज में इमाम जमाना का वहां होना लाजिम होता है। हर साल हज के मौके पर, हदीस सही है कि इमाम जमाना रहते हैं वहां हज के मौके, वो तो अपनी जद्दे माजिदा पर सलाम करते होंगे ना, वो तो सलाम करते होंगे अपनी दादी पर। तो ऐसी सूरत में शहजादी की कब्र मोहताज सलाम नहीं है। अब जो कुछ हो, जो कुछ हो, लेकिन हमको तो इसी जुल्म पर, इसी जुल्म पर गुफ्तगू मकसूद है कि आखिर ये अक्ल है या जहल है, या इस्लाम है या कुफर है, ये हक से नजदीकी है या हक से दूरी है। इसको दुनिया बतला देगी, दुनिया बतला देगी। टूटे टूटे मकान, उजड़े दयार, पांच पांच हजार बरस पहले के ताक, दरीचे, मिट्टी के बर्तन, दुनिया इसकी हिफाजत करती है। रखो रखो, आसारे कदीमा है, कहीं कुछ मिल गया तो चले ढूंढते हुए, भाई नूह की कश्ती को ढूंढो कहां है, तूर कहां वाके था। देखो रोमन एम्पायर ने अपने तरक्की के जमाने में किस तरह से अपने खेल के मैदान बनाए थे, देखो एथेंस के मकानात कैसे थे, पोम्पियाई का शोलफशा पहाड़ किस तरह से मुल्कों को तबाह करता था। निशानियों की हिफाजत करो, दुनिया तो इस तरफ जाती है, और यहां इससे बढ़कर कोई निशानी हो सकती थी। बानिया इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, या मोहम्मद की कब्र, या उसकी बेटी की कब्र। आप इसको कब्र परस्ती कहते हैं, मैं कहता हूं कब्रों को मिटा देना गोया इंसानियत से दूरी की दलील थी। और हर साल यही बार बार दोहराया जाता है, इस वास्ते नहीं कि कोई इससे वाकिफ हो, आगाह हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सुनने वाले ये तो समझ लें कि है क्या आठवीं शव्वाल। जिसको जुल्म कहते हो वो जुल्म क्या है। अल्लाह अकबर, उम्मे रबाब को इसका यकीन था कि मेरा बच्चा दफन हो गया, गुफ्तगू के नहज को समझ रहे हैं ना, बड़ा यकीन था इसलिए कि आंखों के सामने दफन हुआ बच्चा, बाप ने बेटे को दफन किया, क्या गुजरी होगी कल्बे रबाब पर जब करबला से कूफे जाते हुए अपने नाके पर बैठकर उस मां ने बेटे के सर को नौके नायदा पर देखा। उसको दुनिया कहती है जुल्म, जुल्म। और ये
واقعہ کب کا تھا؟ 61 ہجری کا محرم، محرم کی دسویں، دسویں کی شام، اور اس واقعے سے 50 برس پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا دشمنوں کا دستور ہی یہ ہو گیا تھا کہ آل محمد کی قبروں کو کھود ڈالو یا دفن ہونے نہ دو، یا دفن ہو جائیں تو قبروں کو کھودو؟ کیا یہی طریقہ تھا؟ 50 برس پہلے زہرہ کو دفن کر کے آئے، اور ایک مرتبہ غلاموں نے کہا، مولا جنت البقیع کے قبرستان میں جو قبریں آپ نے بنا دیں، اس کو مدینے والے ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے زمین کی نرمی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین میں قبر کھود کے زمین سے نکال کے لاش کو نماز پڑھیں گے. راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جس سے زمین پر خط پڑ رہا تھا، ابا کو کاندھے پر اس طرح سے آپ نے ڈال لیا تھا کہ ابا کا ایک گوشہ کاندھے پر تھا اور کچھ حصہ زمین پر تھا. غصے کے عالم میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے اور کہا، سنو، گھر جلا میں نے صبر کیا، درد کے عالم میں زہرا تڑپی میں نے صبر کیا، اور اب یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے زہرا کی قبر کو کھودنے کی کوشش کی تو مدینہ کی گلیوں میں لہو کی ندیاں بہ جائیں گی. لوگ سمجھ گئے، دنیا سمجھ گئی کہ فاتح خیبر کو جلال آیا، دنیا سمجھ گئی کہ علی بن ابی طالب کو جلال آیا، ابو طالب کے لال کو جلال آیا. سب لوگ معافی مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. آؤ نا مولا، اب آؤ، اب دیکھو نا مولا، بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے. دلوں میں اس داغ کو لیے رہو، بچوں کو انہی کی محبت پر تربیت کرتے رہو. زہرا کا غم فراواں ہے، زہرا کا داغ قیامت تک رہے گا قلب مومن پر. حفاظت کرو اس غم کی. اسی طرح سے ہر سال 8ویں شوال کی تاریخ آتی رہے گی، اور اسی طرح سے ہم اعلان غم کرتے رہیں گے. سنو سنو مظلوم، اگر اجتماعی طور پر قوم کو یہ احساس ہو کہ وہ صابر ہے تو اس میں نظم بھی ہو، ضبط بھی ہو، سکون بھی ہو اور وقار بھی ہو، اور دنیا یہ جان لے کہ یہ وہ ہیں کہ جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے، جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے. اکیلی قبر نہیں ہے زہرا کی، حسن ابن علی بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں. ارے کوئی ان سے پوچھے کہ جس امام کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام زنجیروں میں اسیر کر کے لے گئے، کیا اس کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی کہ اس کی قبر کو دی جائے؟ جس حسن کو زہر کا جام دیا، کیا اس کے لیے ضرورت تھی؟ جس باقر اور جس صادق کو زہر دے کے شہید کیا، کیا اس کے لیے ضرورت تھی کہ نشان قبر نہ رہے؟
پاس اور کچھ نہیں فرزند رسول امام منتظر نزا کی ہچکی میں پوشیدہ ابھی تک راز ہے آنے والے جلد یہ آخری آواز